अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस धीरे धीरे और गहराता जा रहा है। एक तरफ गुवाहाटी में विधायकों की भीड़ लगती जा रही है, वो खुद को बाला साहब की शिवसेना बता रहे हैं, और दूसरी तरफ पार्टी हाथ से निकलने का डर सता रहा है। डर इतना बढ़ गया है कि तरह तरह के धमकी वाले बयान दिए जा रहे हैं। सुनिए ये बयान। देखो, मुख्यमंत्री की तरफ से आप महाराष्ट्र से बाहर है भाई, आप महाराष्ट्र में आकर ये बात कर लीजिए। किसी की सुरक्षा नहीं निकाली है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लोगों का गुस्सा जरूर है, अब तक गुस्सा जो है उसका विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। अभी मेरे पास सांगली के लोग आए, हमारे पूछना चाहते हैं मैं हम लोग क्या करें, अगर लोग भड़क गए तो आग लग जाएगी। संजय राउत का ये वक्तव्य हताशा की निशानी है। कोई सीनियर लीडर कैसे ऐसा कह सकता है कि भड़क गए तो आग लग जाएगी? अरे आपको तो कहना चाहिए कि हर हालत में महाराष्ट्र की स्थिति को कंट्रोल में रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन सबको बोला है संयम रखो। मुझे विश्वास है जब ये विधायक मुंबई में आ जाएंगे तो हमारे पाले में आ जाएंगे। हमारे पाले में आ जाएंगे यानी अगर नहीं आए तो उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या पाले में नहीं आना लोगों को आग लगाने का लाइसेंस दे देगा? जो लोग छोड़कर गए वो नाराज हैं, कारण जो भी हो, लेकिन क्या इसके लिए स्टेट में आग लगाना ठीक है? और यही नहीं, संजय राउत ने एक सॉफ्ट चेतावनी देवेंद्र फडणवीस जी को भी दिया है। सुनिए क्या कहा। अभी दलों के साथ देवेंद्र फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं, उसमें जो अभी मौजूदा राजनीतिक हालात राज्य में चल रहे हैं उसके ऊपर आगे क्या प्लानिंग होनी चाहिए? मैं देवेंद्र जी को एक सलाह दूंगा, वो भी राजनीति में बहुत सालों से माहिर खिलाड़ी है, आप इस झमेले में मत पड़िए। फिर एक बार जो सुबह का हो गया था ना वो शाम का हो जाएगा, इस झमेले में मत पड़िए। आप अपनी जो भी बची कुची प्रतिष्ठा है वो संभाल कर रखिए, चुनाव में देख। जब सत्ता पक्ष का बहुमत डगमगा रहा हो तो क्या विपक्ष अपनी संभावनाओं की तलाश नहीं करेगा? यही तो लोकतंत्र की खासियत है, जिसके पास नंबर होगा वो सत्ता में बैठेगा, और जिसके विधायक जा रहे हैं वो सत्ता से भी जाएंगे। इसी तरह की और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।